गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिगंबर कामत और नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो समेत कांग्रेस के 8 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। विपक्ष के नेता माइकल लोबो ने आज ही कांग्रेस विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल को भाजपा में विलय करने पर निर्णय लिया गया था। इसके बाद इन विधायकों ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से भी मुलाकात की थी। कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों में दिगंबर कामत, माइकल लोबो, डी लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नायक, संकल्प अमोनकर, एलेक्सो सिकेरा और रोडोल्फ फर्नांडिस जैसे नाम शामिल हैं। 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा में भाजपा के पास 20 विधायक थे, वहीं कांग्रेस के पास 11 सीटें थीं। इसके अलावा महाराष्ट्रवादी गोमांतक के पास 2 और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के पास 1 सीट है, वहीं अन्य के खाते में 6 सीटें हैं। कांग्रेस के 8 विधायकों के भाजपा में शामिल होते ही कांग्रेस के पास विधानसभा में सिर्फ 3 सीटें ही बची हैं, वहीं भाजपा की संख्या बढ़कर अब 28 हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी में 8 MLA ज्वाइन हो रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में हमारे पार्टी के अध्यक्ष सदानंद तानवडे हैं, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिगंबर कामत, वो हमें आज ज्वाइन हो गए। अपोजिशन लीडर, एक्स अपोजिशन लीडर माइकल लोबो, कांग्रेस बिगेस्ट लीडर ऑफ एलेक्स सिकेरा और बाकी उनके साथ में सभी कांग्रेस के नेता आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत करता हूं और वो निश्चित रीत्या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नव भारत निर्माण की उनकी संकल्पना है, इसलिए सभी ज्वाइन हो चुके हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी, मुझे लगता है गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से पूरे देश भर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी लोग कांग्रेस को थोड़े थोड़े छोड़ रहे थे, अभी लमसम में छोड़ रहे हैं। इसी तरह से पूरे सभी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या बाकी जो राष्ट्र हित वाली पार्टी को जुड़ेंगे। निश्चित रीत्या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आने 2024 के इलेक्शन में बड़ी जीत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिलेगी। दे हैव गिवन अ सिग्नल टू द पार्टी दैट दिस भारत जोड़ो यात्रा इज नॉट गोइंग टू bring any difference to the party. The internal leadership had to be strengthened, which nobody is taking care. So Bharat Jodo Yatra is going to be a failure, and which has started from Goa, that is today, ki Congress chodo, all the leaders are going to leave Congress. You will see in the days to come, very very few days, you will see, you don't have to wait for a year, you will see within the next 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, all the top leaders who had strengthened the Congress party are going to leave that party.